हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेटामॉर्फोसिस व्लॉग। और आप लोग देखने जा रहे हो पार्ट 3 ऑफ शांति निकेतन बोलपुर डायरीज। तो अभी हम लोग हैं सोनाझुरी खुवाई के रास्ते में, सिटी से थोड़ी दूर। हेयर इज अ स्मॉल पाथ ऑफ फॉरेस्ट कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द क्लीनेस्ट फॉरेस्ट इन इंडिया। सोनाझुरी फॉरेस्ट में सोनाझुरी यानी कि यूकेलिप्टस ट्री है। जितना मैं पेड़ों के बारे में जानती हूँ, आप विंटर्स में जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा सोनाझुरी की छोटे छोटे फ्लावर्स एंड सूखे हुए पत्ते ग्राउंड को कवर करके रखते हैं। और जब हवा चलती है तब पेड़ से सूखे पत्ते झड़ते हैं, और उसी टाइम ऐसा लगता है कि पेड़ से सोने के पत्ते झड़ रहे हैं, इसलिए शायद इनको सोनाझुरी कहा जाता है। और इधर खुवाई मेला भी होती है जिसका नाम है शनिवार हाट। इट्स अ वीकली सैटरडे आफ्टरनून बाजार सेटअप बाई लोकल आर्टिशियन इन शांतिनिकेतन। द खुवाई मेला हैज़ नाउ बिकम अ पार्ट ऑफ द कल्चर ऑफ द बेंगोली पीपल्स एंड हैज बीन टेकिंग प्लेस फॉर ओवर 20 ईयर्स। और ये जो घर आप लोग देख रहे हो जिसके ऊपर से पाम ट्री निकला है, जिसको बंगला में बोलते हैं ताल गाछ और ताल ट्री। और इस घर में बैठ के रविंद्रनाथ टैगोर जी ने एक फेमस कविता लिखे थे जो कि है ताल गाछ एक पाए दाड़िए सब का छड़िए। और ये जो घर आप लोग देख रहे हो ये एक्चुअली एक मंदिर है, और ये मंदिर पूरा बेल्जियम कांच से बना हुआ है। 1891 में रविंद्रनाथ जी की बड़े भैया द्विजेंद्रनाथ ठाकुर ने इसको बनाया था। इसमें निराकार ब्रह्मा देव को पूजा जाता है इन एवरी वेडनेसडे। और इधर जाने के लिए आपको व्हाइट कपड़े पहनना पड़ेगा, एंड स्पेशल कुछ डेज में जैसे कि 25 बैशाख मीन्स 7 मई, 22 श्रावण मीन्स 8 अगस्त, 25 दिसंबर बंगाली न्यू ईयर, 6 मार्च, इन सब स्पेशल डेज में इधर प्रोग्राम्स होती है, तब टूरिस्ट यहाँ आ सकते हैं। बाकी वेडनेसडे को छोड़ के बाकी दिन बंद रहती है। ₹1901 से लेके ₹1904 तक इस मैंशन में रविंद्रनाथ जी रहे हैं। और इसी बीच गीतांजलि की बहुत सारी कविताएं और सॉन्ग्स लिखे हैं इधर। 13 नवंबर को उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था। और उसके बाद हम लोग गए रविंद्र भवन में। ये रही म्यूजियम की टिकट, लेकिन उधर फोटोग्राफी अलाउ नहीं थी इसलिए मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई। लेकिन उधर बहुत कुछ है रविंद्रनाथ टैगोर रिलेटेड, जैसे कि उनकी लिखी स्टोरी, सॉन्ग्स और कविताओं की मैनुस्क्रिप्ट, उनकी फैमिली हिस्ट्री, फैमिली ट्री, फोटोज, उनकी ड्रॉ और पेंट की गई ड्राइंग्स, पेंटिंग्स, उनकी पेंट ब्रश, कलर पैलेट, नॉवल की रेप्लिका, उनकी कपड़े एक्सेट्रा। और उधर आप उनकी ड्राइंग्स की कॉपी भी खरीद सकते हो। और कुछ देर हम लोग म्यूजियम के बाहर लॉन पे घूमे। और ये पेड़ देख रहे हो कितनी बड़ी और पुरानी है। और ये रही मैं जो कि पहली बार अपनी खुद की ब्लॉग में आ रही हूँ।
ऑनेस्टली आप लोग अगर इधर आए तो नेचर से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करेंगे।